हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कॉफ़ी चॉकलेट ब्राउनी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून पानी गरम करके डाला है और इसमें मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डबल बॉयलर से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉट में मैंने गरम पानी लिया है, ऊपर एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल के नीचे तले में वो गरम पानी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपकी चॉकलेट खराब हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है 100 ग्राम, आप चाहे तो डेरी मिल्क भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप शुगर डाली है और इसे भी हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अगर आप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हो तो जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं तो तभी आपको पाउडर शुगर ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल 1/4 कप, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम नीचे का बाउल हटा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कॉफी का मिक्सचर किया था, वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर ली है और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अगर आप पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हो तो इसी टाइम आपको पाउडर शुगर भी इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें दूध डाल के एक बैटर बना लेंगे। तो दूध हमें धीरे धीरे करके ही डालना है और ये बैटर बनाने के लिए मुझे 1/2 कप दूध लगा है। कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं। अब हम इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए चोको चिप डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप इसमें चोको चिप या फिर कटे हुए चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये हमारा ब्राउनी का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है स्क्वायर कंटेनर, इसे मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे बैटर। अब हमें इसे टैप करना है ताकि जो एयर बबल है वो इजीली निकल जाए। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं चोको चिप, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। इसे हम बेक करने रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई ऑलरेडी प्रीहीट हो गई है। अब हम इसे 25-30 मिनट्स के लिए बेक करने रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। बेकिंग टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, तो जब तक आपकी टूथपिक क्लियर नहीं आती तब तक आप इसे बेक करें। तो यहाँ पे मैंने 25 के बाद चेक किया है तो हमारी टूथपिक क्लियर आई है, मतलब हमारे ब्राउनी अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और बाद में अनमोल्ड करेंगे। हमारी ब्राउनी अच्छे से ठंडी हो गई है, अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्मा गर्म इसे अनमोल्ड करेंगे तो ये टूट सकती है, क्योंकि गर्मा गर्म ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होती है। ब्राउनी बहुत ही अच्छे तरीके से अनमोल्ड हुई है और बिल्कुल भी कंटेनर को चिपकी नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं इसे 4 पीसेस में कट करूंगी, आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में इसे कट कर सकते हैं। सो फाइनली हमारी डिलीशियस टेस्टी कॉफ़ी चॉकलेट ब्राउनी बिल्कुल रेडी हो गई है। यह दिखने में जितनी डिलीशियस लग रही है उतनी ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। अब मैं आपको पास से टेक्चर दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से बेक हुई है। यहाँ पे मैंने मैदा यूज़ किया था ब्राउनी बनाने के लिए, आप चाहे तो व्हीट फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउनी में कॉफ़ी का फ्लेवर और ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर मिलाया था, तो आप चाहे तो 2 या 2.5 टीस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ब्राउनी का अंदर का टेक्स्चर सेम बेकरी जैसा ही आया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।